मुंगेर में शहीद को मिला सम्मान, परंतु आश्रित को नहीं मिली नौकरी। शहीद की विधवा बोली, बेटा को नौकरी नहीं मिलने पर 15 अगस्त को लौटा देंगे सम्मान। बरसों से बेटे को नौकरी दिलाने के लिए भटक रही है माँ। दरअसल लोकसभा चुनाव ड्यूटी के दौरान वर्ष 1996 में मसौढ़ी में चुनाव कराकर वापस लौटने के दौरान लैंड माइंस विस्फोट में BMP-5 में तैनात सिपाही मुंगेर जिला अंतर्गत न्याराम नगर थाना क्षेत्र के नौवा गढ़ी निवासी राजेश्वर मंडल शहीद हो गए थे। उस समय उनके बच्चे अबोध थे। उस समय शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ था। शहीद की विधवा पत्नी जयमाला देवी को भी पुलिस विभाग के अधिकारी द्वारा उस समय सम्मानित किया गया था। शहीद के आश्रित को अनुकंपा पर बहाली के लिए पत्र भेजा गया था, लेकिन आश्रित के नाबालिग रहने के कारण शहीद की विधवा ने बाल आरक्षी के रूप में बेटे को नौकरी देने का आवेदन दिया था, लेकिन आश्रित को नौकरी आज तक नहीं मिल पाई है। शहीद का बड़ा पुत्र नितेश कुमार आज 28 साल का हो गया है। आश्रित को नौकरी के लिए शहीद की विधवा पत्नी DGP से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार सहित सभी बड़ी अधिकारी के यहाँ चक्कर लगाकर थक चुकी है, लेकिन आश्रित को नौकरी नहीं मिल पाई है। अब तो विभाग ने पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में मुख्यमंत्री ही कुछ कर सकते हैं। विभागीय स्तर से अनुकंपा पर आश्रित को नौकरी संभव नहीं है। विभागीय द्वारा भेजे गए पत्र के बाद शहीद की विधवा ने पत्रकारों को बताया कि शहीद सिपाही का परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है। अगर शहीद के आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिलती है तो वह शहीद को मिला सम्मान लेकर क्या करेगी? 15 अगस्त को वह शहीद को मिला सम्मान वापस कर देगी। शहीद की विधवा जयमाला देवी बताती है कि पिछले 26 साल से वह पेंशन और आश्रित को नौकरी के लिए हर जगह का चक्कर लगा रही है। बहुत दौड़ धूप के बाद वर्ष 2011 में पेंशन चालू हुआ, लेकिन आश्रित बेटा को नौकरी आज तक नहीं मिल पाई है। जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने एक आश्रित को नौकरी देने की घोषणा की थी। फिलहाल शहीद की विधवा अपने 3 पुत्र जो मजदूरी करते हैं उनके साथ किसी तरह गुजर बसर कर रही है। हम कुछ नहीं करने चाहते हैं सर, मेरा बेटा के कोई तरह से नौकरी दिलवा दीजिए, कोई भरोसा नहीं है, हम उतना भूल नहीं सकते, गिर गए हैं। क्या पति क्या किया? BMP-5 में क्या हुआ था? हाँ क्या हुआ? बम पिलर से उड़ा दिया। 96 में क्या हुआ था? उड़ा दिया, इलेक्शन कराई के आवे रहे, रास्ता में बम लगा दिले रहे। के लगे ले बम गुरवा दिए लगे। ओकर बाद की होले? अपने के मिल ले पेंशन होले चालू? पेंशन तो कितना दिन के बाद चालू होले? शहीद के जे पैसा मिले है वो मिल ले? वो सब कुछ ने तनी मनी मिल ले। अच्छा, आप की चाहे छो? हम बेटा के नौकरी चाहे छे सर। नौकरी के लिए बोल ले हले कोई? हाँ बोला ले, सब लिखाल रहे। अच्छा, हाँ क्या बोला ले उसमें? बाला रची में ले नौकरी देते? हाँ। अभी कितना साल भर गए? दौड़ते दौड़ते 28 साल हो गए। 28 साल अभी तक कोई नहीं सुन ले अपने के? कोई नहीं सुने सर। की चाहे छो? नौकरी हम चाहे छी बेटा के। बेटा के नौकरी चाहे छो? की नाम बोले अपने के? जयमाला। के होली अपने के? शहीद के? हाँ शहीद की पत्नी हो लो। हाँ। और अब क्या? 1996 में शहीद हुए थे मेरे पिताजी लोकसभा चुनाव के दौरान। डिप्टी करके लौट रहे थे तो जीप के अंदर बम से उड़ा दिया गया था मेरे पापा को। तो उसके बाद हम नाबालिग थे, 5 वर्ष के मात्र थे हम, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी उस समय। जब हम सब पढ़ाई किए, अपना बदौलत आज तक मैं केस जगाया। हम तो लड़े, इंसाफ किए अनुकंपा पर। नेता को बेटा का अनुकंपा मिलता है, शहीद को फैमिली का अनुकंपा नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो प्राइज वापस कर नीतीश कुमार जी, नहीं मिलता है तो वापस कीजिए, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। कितना साल हो गया? 28 साल हो गया। उस समय आप नाबालिग थे, उस समय क्या कहा गया? उस समय किया गया कि आपको एक नौकरी मिलेगा, माँ को पेंशन मिलेगा, और पैसा तो नहीं है मिला उस समय, सिर्फ पेंशन हम बनाए माँ के बस। अच्छा, शहीद को जो पैसा मिलता तो वो मिला था जो तनी मनी जो मिला था बस, और उसके बाद शहीद जांच किया जाए तो पैसा भी बड़ा घोटाला हुआ है विभाग में। आप लोगों को क्या मांग? हम मांगे सिर्फ नौकरी चाहिए मुझे बस, पैसा समय को लोग ने सिर्फ नौकरी दे दिया, सरकार दे दिया है, दे दे मेरा। केस को लेके आप लोग कहाँ कहाँ गए? हाई कोर्ट गए हम, हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला हमें। उसके बाद मुख्यमंत्री पास गए, मुख्यमंत्री 2006 में गए थे, उसके बाद 2011 में गए, फिर उसके बाद माँ गई द्वार जनता दरबार, फिर रजिस्ट्रेशन किए, वहाँ से मेरा मैसेज नहीं आ रहा है, रोक दिया गया है वहाँ से।
और उसके बाद डीजीपी अभियानंद सर के पास गए, वह मेरे माँ को प्राइज दिया, मेरी माँ उस समय बेहोश हो गई थी। माँ को हम स्थिति में लेके जाते हैं तो मेरी माँ का दिमागी संतुलन खो चुकी है। हम लड़ रहे हैं अपना हक, जो लड़ रहे हैं हकीकत में लड़ रहे हैं, केस भी लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। नेता से मिले, विपक्ष से मिले, भाजपा से भी मिले, राजद से भी मिले, जदयू से मिले, सभी पार्टी से मिले, कोई निर्णय नहीं निकला, तो पढ़ाई लेके क्या करेंगे हम, बोलिए। क्या नाम है आपका? नितेश कुमार हुआ मेरा सर। कौन है? क्या बेटा है?